हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ रही है जो कि है आपकी ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि सहायक लोको पायलट के पद पर ये भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब आप ट्रेन चलाने वाले हैं भविष्य में। अभी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो एज अ जो लोको पायलट होता है जो कि ट्रेन चलाता है, उसके साथ आपको भी ट्रेन के अंदर ट्रेन चलाने का मौका मिलता है। ALP जो कि उसकी मदद करता है, जो ट्रेन चलाता है उसकी हेल्प करता है। भविष्य में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आपका प्रमोशन होता है तो आप भी एक लोको पायलट बनते हैं और आपको भी ट्रेन चलाने का मौका मिलता है इंडियन रेलवे में। तो दोस्तों, काफ़ी शानदार वैकेंसी है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या इसकी प्रोसेस होने वाली है, पूरा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ALP नई भर्ती 2024 असिस्टेंट लोको पायलट ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी कैंडिडेट जो भी इंडिया में है रहता है और मेल या फीमेल है, कोई भी कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो क्या रखी गई है। दोस्तों, तो अप्लाई करने की डेट जो रखी गई है दोस्तों, इसकी 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2024 यानी कि आज की डेट से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो जाइए इसका जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी पोस्ट कितनी निकली हुई है। तो दोस्तों, अभी जो इसकी पोस्ट निकली हुई है वो अभी मात्र निकली हुई है 5696 पोस्ट निकली हुई है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, कैटेगरी वाइज पोस्ट अगर आपको देखना है तो देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, है ना। तो आपका जोन दिया गया है, किस जोन में कितनी कैटेगरी में किस किस कितनी कितनी पोस्ट है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी बात करें, अभी आपको केवल 5696 जो कि काफ़ी कम वैकेंसी है। भविष्य में इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और ये वैकेंसी लगभग 16,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली, क्योंकि एक नोटिफिकेशन, एक जो नोटिस है रेलवे की तरफ से वायरल हो रहा है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, रेलवे में अलग अलग हमारे वो बने हुए हैं एसोसिएशन वगैरह। तो ट्रेन ALP यानी कि लोको पायलट जो होते हैं उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि रेलवे के जो ALP सेक्शन है, ALP वाला जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रेन चलाते हैं ड्राइवर वाले, उसमें कुल 16,000 से भी ज़्यादा 16,373 कुछ पद है वो अभी खाली पड़े हैं। तो लगभग इतने पर वैकेंसी निकली है और इसको मुहिम छेड़ दी है रेलवे वालों ने कि इसकी वैकेंसी को बढ़ाया जाए, तो भविष्य में आपको इसकी जो वैकेंसी है वो 16,000 से ज़्यादा वैकेंसी को मिल सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते दोस्तों, एज कितनी मांगी गई है। तो कोई भी कैंडिडेट 18 से लेकर 30 साल का है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है और उसकी जो गणना है एज की वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। ठीक है, और बात कर ले, इसको जो रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है वो SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। वहीं OBC से आप बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का यहाँ पर मिलने वाला है। ये नोटिफिकेशन के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की, कि फीस कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, UR, OBC और EW कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ₹500 फीस जो है पेड करनी होगी। इसके अलावा SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए ₹250 यहाँ पर फीस रखी गई है। बात कर लें दोस्तों, इसमें से ₹400 आपके वापस होंगे और इसके ये पूरे वापस हो जाएंगे, कुछ चार्जेस कटेंगे 20-40 रुपये जो भी कटेगा, उसके बाद आपको इसकी जो फीस है वो पूरी रिफंड कर दी जाएगी रेलवे के द्वारा। रेलवे ऐसा ही करता है, आपसे शुरुआत में फॉर्म की फीस भराता है, जिस दिन आप इसका CVT बने यानी कि पहला पेपर दे लेते हैं उसके बाद आपको ये फीस आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाती है। तो जब आप इसका फॉर्म भरें तो आप वहां पर अपनी बैंक डिटेल जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एलिजिबिलिटी क्या है, हमारे पास कौन कौन सी डिग्री, डिप्लोमा, कौन कौन सी मार्कशीट हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, केवल आपके पास 10th हो प्लस उसके साथ आपके पास ITI होना चाहिए, वो भी रिलेटेड ट्रेड में। इसके अलावा आपके पास अगर इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है या कोई भी डिप्लोमा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या BTEC वगैरह आपने किया हुआ है, बेसिकली जो टेक्नीशियंस फील्ड से जो बंदे आते हैं उनके लिए ये जॉब है। तो इसके लिए यहाँ पर आप ये पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इसका अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का नाम है द एग्जाम हेल्पर, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, ये नाम सर्च मारेंगे तो आप वहाँ पर उसे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, वहां पर मैंने इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाल दिया। चलिए बात कर ली, तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दी और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 19 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हुई होनी चाहिए, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर लेंगे तो कौन कौन से पेपर आपके होंगे, किस किस तरीके से आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी,
किस किस प्रोसेस है होकर आपको गुजरना पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर होगी, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सबसे पहले CVT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें पहला टेस्ट होगा जिसमें आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहेगा क्वालिफाइंग, केवल इसमें आपको कट ऑफ मार्क्स निकालने पड़ेंगे, और जैसे ही आप इसे पास करेंगे आप CVT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपका दूसरा पेपर होगा, ये आपका जब CVT 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसके 2 से 3 महीने बाद आपका CVT 2 होगा, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि 2 उसमें टेस्ट लिए जाएंगे, एक पार्ट ए होगा एक पार्ट बी होगा, जिसमें पार्ट ए के 70% मार्क्स आपके यहाँ पर जोड़े जाएंगे, यानी कि 100 मार्क्स का मान के चलिए, तो उसमें 70 नंबर पर आपके जो मार्क्स हैं 70% वो यहाँ पर कैप्चर किए जाएंगे, है ना। और वहीं इसका जो पार्ट बी है वो केवल क्वालिफाइंग है, केवल उसे आप पास करना है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज में होगा CVAT, जिसके 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और इसके 70% CVT 2 के ए पार्ट के, और इसके 30% मिलाकर आपका क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी उस मेरिट लिस्ट में पास होंगे उनको DB के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद उनका मेडिकल यहाँ पर होने वाला है। मेडिकल की बात करें तो A1 कैटेगरी का मेडिकल, रेलवे में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई हैं कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी का हमें जो यहाँ पर मेडिकल मांगा गया। तो आपका जो ELP होता है या लोको पायलट होता है, उसमें ट्रेन चलाने के लिए आपकी आंखों का तेज होना बहुत जरूरी है, तो जिसके लिए आपको A1 मेडिकल से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके कुछ प्रोसेस रहते हैं। A1 मेडिकल में दोस्तों अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि A1 मेडिकल जो होता है आपका उसमें क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपका डिस्टेंट जो विजन है वो कितना होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए, और 6x6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, विद फॉगिंग टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो नियर विजन है वो आपका 0.6 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। इसके बाद जो मस्ट पास कलर टेस्ट आपको करना होगा, वाइनो कलर होगा आपका, है ना, फील्ड ऑफ विजन होगा आपका, नाइट विजन होगा, इसके अलावा मैसोपिक विजन, ये सारे टेस्ट आपके होते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह का टेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया आपका, है ना, आपकी हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, BP हो गया, ये सारा कुछ आपको टेस्ट होता है। मैं आपको इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कि मेरा जो मेडिकल है वो किस तरीके से हुआ था, कहाँ हुआ था, किस किस प्रोसेस से होकर मैं गुजरा था, चेस्ट एक्सरे वगैरह सारा कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो आपकी आई टेस्ट होती है वो ली जाती है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, किस तरीके से आपको पाइल्स वगैरह का भी यहाँ पर चेक होता है, हर्निया वगैरह, सारा कुछ आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया कि मेडिकल में क्या हुआ। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पेपर होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/30, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.33 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। चलिए इसके बाद आपका दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, किस सिलेबस क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर CVT 1 दिख रहा होगा, ठीक है, CVT 1 में आपके क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, और GK, इन 4 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 75, टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा। और ये जो आपका CVT 1 है मैंने बताया केवल क्वालिफाइंग है, केवल आपको पास करना है, इसमें हाईएस्ट नंबर लेके नहीं आना है। एक मान के चलिए 100 में से अगर 60 नंबर, 75 में से 60 कट ऑफ जा रही तो आप 60 लेगा, ऐसा नहीं कि 75 आपको लाना पड़ेंगे। तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किया जाएगा रेलवे की तरफ से, वो आपको लाना है और आप इसमें पास कर जाएंगे, ठीक है। तो 4 सेक्शन आपके पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस की, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका जो डिटेल सिलेबस है, मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद होगा आपका दोस्तों, जब आप इसे पास कर लेंगे CVT 2 देने जब जाएंगे, तो उसमें आपका पार्ट ए होगा, ठीक है। पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए जो रहेगा आपका 90 मिनट टाइमिंग रहेगी, और इसके 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और जिसमें से 70% आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। ध्यान रखना 100 क्वेश्चंस में से केवल 70% मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। उसी दौरान पार्ट बी होगा आपका, जिसके 60 मिनट आपको मिलेंगे और 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये केवल क्वालिफाइंग हुआ बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। तो इसको तो केवल क्वालिफाइंग करना, मान लीजिए 30 नंबर लाना है 75 में से, तो 30 में पास होएंगे, बट इसमें आप हाईएस्ट नंबर लेके आइएगा, जितने भी आपके जैसे 100 में से आपके 80 आए, तो 80 का 70% आपका यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इसके बाद होगा आपका CVAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसे बेसिकली साइको टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कुछ प्रोसेस बताई जाती है कि मान के चलिए एक पहेली दे दी, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको, एक ऐसा होता है आपको एक पिक्चर दे दी जाती है पूरा एक पेपर में, 10 तरीके की पिक्चर दे देंगी, उसको आपको एक मिनट में देखना कि क्या क्या इसमें प्रोसेस चल रही है, फिर आपको उसका आंसर दिया जाता है। पहले क्वेश्चन देंगे, बाद में उसका आपको आंसर देते हैं, और आंसर में आपको उसका टिक लगाना है कि आपने क्या देखा उस समय, वो क्या देखा, वो किससे किसका मिलान हो रहा था, कौन सी चीज़ से क्या हो रहा था, वो आपको वहाँ पर टिक करना होता है। तो उसमें आंखों का बेसिकली टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपका ये होगा,
वो इसमें क्या होगा, इसे बैटरी टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या होगा आपका 30%, जैसे मान के चलिए ये 100 नंबर का हो रहा है तो इसमें से आप 50 नंबर ले गया तो 50 का 30% यहाँ पर आपका मार्क्स लिया जाएगा और इसका 70 और इसका 30% मार्क्स मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। देन आपका क्या होगा, डीबी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पर लगा के दिखा देता हूँ कि जो पार्ट ए है आपका, इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा गया। ठीक है, ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा, इसमें मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। इसके बाद जो पार्ट बी है इसमें क्या हुआ, इसमें जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा हुआ, आप देखिए जब इसका फॉर्म भरेंगे तो किसी एक ही जोन से आप फॉर्म भर पाएंगे, ये कि आरआरबी बोर्ड से फॉर्म भर पाएंगे, केवल एक एप्लीकेशन भर पाएंगे और जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको फॉर्म भरना है। तो जो जो आपका पेपर होगा वो उसी ट्रेड का होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो पार्ट बी होगा केवल क्वालिफाइंग है ना, बैटरी टेस्ट आपको, साइको टेस्ट वगैरह होगा जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसको एलैबोरेट करके दिया कि अगर किस ट्रेड से आप जो है यहाँ पर किया हुआ है और किस ट्रेड के लिए कौन सा पेपर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद CBT हो जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, सैलरी क्या मिलने वाली है इसमें। देखिए सैलरी बात करें दोस्तों, ये आपकी जो पोस्ट है वो लेवल टू की पोस्ट है, भले ही जो लेवल टू की पोस्ट है इसका जो बेसिक पे है 19,900, इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी वो 33,000 से 34,000 बनेगी आज की डेट में। बट ये सच नहीं है, इसकी सैलरी इससे भी कहीं ज़्यादा होती है, लगभग 50,000 के अराउंड ये सैलरी पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको जब आप एज अ ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करके ट्रेन में जाते हैं चलाने, तो वहाँ को आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, यानी कि आप ट्रेन लेके वहाँ से वहाँ तक का जो खर्चा होता है उसके दौरान आपका, तो वो भी आपको दिया जाता है, तो वो भी आपका मंथली का 15,000, 20,000, 30,000, 70,000 तक बन जाता है। तो इससे ये सैलरी आपकी कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये सैलरी इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज यहाँ पर करती है। स्टार्टिंग में आपको लगभग 35,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी जो है मिलने वाली है आपकी। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों कि इसका जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ होगा, तो जॉब लोकेशन आप जिस वार्ड से भरेंगे और उस वार्ड के अंदर जो भी स्टेशन आते हैं आपकी जॉब लोकेशन वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, जैसे आप अहमदाबाद डिवीजन से भरते हैं तो अहमदाबाद के अंदर जितने भी स्टेशन आते हैं वहाँ पर आपको ये जॉब लोकेशन दी जाएगी। तो ये चीज़ तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आगे आने वाले वीडियोस में इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, मेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेंगे या कोई भी आपका डाउट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इस वीडियो के से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरीके की और भी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।